रामनामी आयोजन समिति रायगढ़ ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली शोभा यात्रा के संबंध में पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी। अग्रसेन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में शहर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वेब पोर्टल के पत्रकार बंधुओं से मुखाबित होकर आयोजन समिति ने इस वर्ष रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजन की रूपरेखा से अवगत कराया। रामनवमी आयोजन समिति रायगढ़ ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली शोभा यात्रा के संबंध में पत्रकारों को विस्तृत जानकारी दी। अग्रसेन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में शहर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और वेब पोर्टल के पत्रकार बंधुओं से मुखातित होकर आयोजन समिति ने इस वर्ष रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजन की रूपरेखा से अवगत कराया। समिति के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस साल भी 50 से अधिक समितियां शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगी। इस बार शोभा यात्रा में केरला आर्ट के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं के वेश में 20 कलाकार प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहेंगे। भगवान शिव और पार्वती के विवाह को झांकी के माध्यम से दर्शाया जाएगा। दुर्ग और बिलासपुर से धमाल पार्टी और साउंड सिस्टम मंगवाया जा रहा है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों से भी झांकियां रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होंगी। झांकियों में पौराणिक वेशभूषा में कलाकार शामिल रहेंगे। इस वर्ष महाकाली और 8 फीट के हनुमान की झांकी के द्वारा रामनवमी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने की तैयारी आयोजन समिति ने की है। समिति के सदस्यों ने सभी शहरवासियों से शांतिपूर्ण माहौल में शोभा यात्रा संपन्न कराने की अपील की है। बता दें कि रायगढ़ में होने वाली रामनवमी शोभा यात्रा में सभी धर्म के लोग हर्ष उल्लास के साथ शामिल होते हैं। महिलाओं और बच्चों की उपस्थिति भी शोभा यात्रा में काफी संख्या में देखने को मिलती है। शोभा यात्रा में पूर्व 9 अप्रैल को राम भक्तों द्वारा बाइक रैली निकाली जाएगी, जिसमें शहर के युवाओं सहित महिलाओं की भी भागीदारी इस वर्ष देखने को मिलेगी। रैली नटवर स्कूल से शुरू होगी, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः नटवर स्कूल में समाप्ति होगी। रायगढ़ शहर में पिछले 9 वर्षों से लगातार एक रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाती है, जो कि रायगढ़ का गौरव है। रायगढ़ के ऐतिहासिक इस शोभा यात्रा के लिए आज भी तैयारी के संबंध में एक आवश्यक बैठक रखी गई थी, प्रेस वार्ता रखी गई थी। यह शोभा यात्रा पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक रहती है। इसके लिए बहुत से डीजे बैंड और व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में आवश्यक तैयारी के लिए बैठक रखी गई थी, प्रेस वार्ता रखी गई थी। रैली को व्यवस्थित करने के लिए नगर स्कूल मैदान से रैली प्रारंभ होगी, तो हमने सभी टोलियों को और सभी मोहल्ले वासियों को और जितने भी झांकी वाले हैं सबको हम लोग 4 बजे का समय दिए हैं। सब 4 बजे नटवर स्कूल मैदान में झांकी लेकर सब पहुंच जाएंगे और फिर सबको क्रमबद्ध करके शहर के विभिन्न मार्गों के लिए शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सुरक्षा के दृष्टि से आयोजन समिति ने किस तरह की व्यवस्था की है? सुरक्षा के लिए हम लोगों ने एक रस्सी की व्यवस्था की है, टोलियों के बीच रस्सी रहेगी और हम सभी राम भक्तों को ये हिदायत दे दी है कि आपको रस्सी के बीच रहना है और अपने अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन भोंडा नहीं करना है, बाहर नहीं करना है, झांकी के साथ साथ ही करना है। मॉनिटरिंग की 3-4 टीम बनाई गई है और हम समिति में हम लोगों ने 4-5 टीम बनाई है जो मॉनिटरिंग करते रहेंगे, उनको देखते रहेंगे, कोई अन्यत्र इधर उधर ना घूमे, इसकी व्यवस्था समिति कर रखी है। और हम चाहते हैं कि बिल्कुल शालीनता से और बिल्कुल संयमित ये रैली रहे। प्रशासन ने यही कहा है कि जो हथियार लेकर बाइक में घूमते हैं इधर उधर, वो ना घूमे और जुलूस के साथ ही रहे, तो हमने भी ये व्यवस्थित कर रखा है और सबको हिदायत भी दिया हमने। और हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक रहे हमारी ये शोभा यात्रा और हम सब जितने मिलकर जो राम भक्त हैं मिलकर ये रैली को व्यवस्थित करेंगे। कुछ नयापन देने के लिए हर वर्ष कुछ न कुछ नया बुलाया जाता है। इस बार समिति द्वारा केरल आर्ट, जिसमें 20 भगवान की प्रतिमाएं बनके एक के पीछे एक अलग अलग और बहुत ही अच्छी प्रतिमाएं चलेंगी। इसके अलावा एक बनारस से शिवलिंग बुलाया गया है, जिसमें से ओघर साधु भगवान शिव के रूप में निकल के माता पार्वती के साथ विवाह का
वरमाला का कार्यक्रम शो करेंगे। इसके अलावा 8 फुट का उज्जैन से बजरंग बली बुलाया गया है, जो अपनी शरीर का सौष्ठव प्रदर्शन करते हुए शोभा यात्रा के साथ चलेंगे। इसके अलावा एक महाकाली माँ को बुलाया गया है, जो गाड़ी में अपना प्रदर्शन महान प्रदर्शन करते हुए चलेंगी। इसके अलावा 2 पावर 4 पावर जोन समिति द्वारा बुलाया गया है, 2 DJ बुलाई गई है, 20 समाज की झांकियां शोभा यात्रा में रहेंगी, 20 युवाओं की टोली विभिन्न शहर के विभिन्न मोहल्लों से 20 समाज की टोली जो अपने परिधान में अलग अलग चलेंगी। वह इस वर्ष महिलाएं अपने सुसज्जित परिधान में अलग अलग मोहल्ले की महिलाएं अलग अलग अपने परिधान में रहेंगी, जो कि एक विशेष आकर्षण इस वर्ष शोभा यात्रा का होगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।